Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, previously we have discussed about halides, hydrides. Now we have one of the very important question, that is oxides. मैं आगे फर्दर आपको टॉपिक के बीच में ही बताऊंगी कि बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड में अराइज हुए हैं. हमारे पास जो डेफिनेशन ऑक्साइड की है वो ये है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स. देखिए, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड, डेफिनेशन इनकी सेम है मगर अकॉर्डिंग टू द मेन टर्म एक चीज़ चेंज हो रही है, दैट इज़ इस ऑक्साइड के हिसाब से टर्म चेंज हो रही है ऑक्सीजन. हैलाइड्स में आपके पास हैलोजन्स थे और हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट आ रहा था. तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन जब किसी दूसरे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब एक बाइनरी कंपाउंड बनाता है, हम उसको क्या कह देते हैं, ऑक्साइड्स. हम ऑक्साइड्स को बेसिकली फोर कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं मगर अकॉर्डिंग टू द योर बुक हम इसको थ्री हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे. एक हमारे पास होगा बेसिक ऑक्साइड, नंबर टू इज कॉल्ड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स. हमारे पास जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिक ऑक्साइड ये अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स शुरू से अगर सही तरीके से नोट पढ़े हुए हों और लेक्चर नोट किए हुए तो आपको ये पता होगा कि मैं जब ये जिन ऑक्साइड्स की जिन चीज़ों की बात करूँगी ये आप पहले पढ़ चुके हुए हैं. जितने भी बेसिस होंगी, ख़ास तौर पर कौन सी बेस होगी, ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू की जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं. तो जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं ये जब गिव बेस व्हेन रिएक्ट विद वाटर, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स को जब पानी के साथ इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो ये क्या दे देते हैं, बेस देते हैं. तो उससे पता चलता है कि जो मेटल की ऑक्साइड्स की नेचर कौन सी है, बेसिक इन नेचर है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सोडियम ऑक्साइड. सोडियम बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर वन. सोडियम ऑक्साइड जो आपके पास है, मैं ये कहती हूँ कि इसकी नेचर बेसिक नेचर है, ठीक है. अब व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज़ अ बेस. अब यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यानी कि जो आपके पास जो अल्कली मेटल्स होती हैं ये आपके पास जो हैं ऑक्साइड्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्यों होते हैं. तो आप उसका क्या आंसर देंगे, जितने भी ग्रुप नंबर फर्स्ट के ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जब इनका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाता है तो ये क्या देते हैं, बेस देते हैं. देयरफॉर देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. अगर हम इसमें बेसिक ऑक्साइड्स में देखें, हमारे पास जो ऑक्साइड्स यानी कि जो ऑक्सीजन होता है इस ऑक्साइड्स की वैलेंसी कितनी है, -2. यानी कि जितने भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स में हमारे पास O-2 के आयंस मौजूद होते हैं. अब O-2 आयंस जो है, आप देखो माइनस साइन इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इट मीन्स कि O-2 आयन जो है वो टेक यानी कि लेगा H+ आयन यानी कि प्रोटॉन लेगा तो सोल्यूशन में से H+ को लेगा, यानी कि O-2 सोल्यूशन से H+ को गेन करेगा या लेगा तो क्या बना देगा, OH- आयन बना देगा. समझ में आ गई. आपके पास जो O-2 आयन्स होते हैं इनके ये वाले जो आयन्स होते हैं ये हाई एफिनिटी फॉर प्रोटॉन होते हैं, ये चूँकि इनको दो इलेक्ट्रॉन की शदीद ज़रूरत होती है तो इस इनको प्रोटॉन लेने की जल्दी होती है. और O-2 आयन जो होते हैं ये कैन नॉट एग्जिस्ट इन एक्वा सोल्यूशन इंडिपेंडेंटली. तो ये O-2 जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं तो ये सोल्यूशन में एक्वा सोल्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो ये फौरन कोशिश करते हैं कि कहीं से प्रोटॉन मिल जाए और क्या बना दे, OH- आयन्स बना दें. नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो जब इनको एसिड में डाला जाता है, व्हेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड व्हेन दे आर एडेड टू इनटू एन एसिड दे बिहेव एज बेस एंड व्हेन एडेड इनटू अ बेस दे एक्ट एज एन एसिड. तो उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपके पास बेरेलियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, ये आपके पास सोन जो है, ये तमाम ऑक्साइड जो आपके पास नज़र आ रही है कौन से ऑक्साइड्स कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. हमारे पास ख़ास तौर पे ये जो जिंक ऑक्साइड है, आपको पता है कि ये जिंक ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. बोर्ड में इधर ही से यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अराइज हुआ था, उसमें ये था कि जो जिंक ऑक्साइड ये वाला जो जिंक ऑक्साइड है एक एम्फोटेरिक नेचर है, इसको एक्सप्लेन करें कि क्यों.
मैंने आपसे कहा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जब एसिड में डालेंगे तो एज अ बेस एक्ट करते हैं, और जब बेस में डालोगे तो एज अ एसिड एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड को जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास क्या है, एसिड है, तो यहाँ पर ये एज अ बेस एक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट एंड वाटर, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। ये एसिड है और ये बेस है, यानी कि बेस एंड एसिड मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बना रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2SO4 ने इसने एज अ एक्ट किया एज अ बेस। मगर अगर आपने जिंक ऑक्साइड को किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के अंदर डाला, तो जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें ये एज एन एसिड एक्ट करता है, तब भी आपके पास क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ से बात प्रूफ हो जाती है कि जो जिंक ऑक्साइड है इसकी नेचर कौन सी है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। थर्ड वन हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जब आप याद करने या समझने बैठें तो पहले बात है, ये जहन में रखिएगा, जितने भी नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल, फॉस्फोरस के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ये तमाम कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब क्यों होते हैं, जब इनको एसिडिक ऑक्साइड्स को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो क्या देते हैं, एसिड दे दे, तब भी तो इनको क्या कहा जाता है, एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, SO3 इज एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, अब इसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करे, इसका मतलब क्या हुआ कि SO3 इज एन एसिडिक ऑक्साइड है। हमारे पास जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं जब किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि बेसिक ऑक्साइड हमने कौन सा लिया था, ये वाला, यहाँ पर ये वाला बेसिक ऑक्साइड जो हम लोगों ने लिया था, ये जब दोनों रिएक्शन यानी कि एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट। यानी कि एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पीरियड के अंदर आपके पास जो है ये ऑक्साइड्स का क्या बिहेवियर है, किस तरह से ये बिहेव करते हैं। तो मैंने आपके लिए एक जो पीरियड चूज़ किया है वो पीरियड नंबर थर्ड चूज़ किया है। हम पीरियड नंबर थर्ड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे पास पीरियड नंबर थर्ड में सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर से शुरू हो रहे हैं। तो जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दोनों यानी कि शुरू के जो दो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक इन नेचर है। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक है। फॉस्फोरस, सल्फर एंड इसके बाद क्लोरीन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो आपके पास कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अगर हम ग्रुप में देख लेते हैं कि ऑक्साइड्स का क्या बिहेवियर है, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास जो बेसिसिटी, किसकी मैं बात कर रही हूँ, बेसिसिटी इंक्रीज होती है इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड इज़ मच मोर बेसिक ऑक्साइड एज कम्पेयर टू बेरिलियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन बेरिलियम ऑक्साइड है। अब ये वाला एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला MCQs में आ जाता है, और एक ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इफेक्ट करती है एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये कुछ ऑक्साइड्स हैं, मैगनीज के चार ऑक्साइड्स हैं। मैगनीज ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। मैगनीज टेट्राऑक्साइड के अंदर हमारे पास +3, मैगनीज डाइऑक्साइड के अंदर आपके पास +4, एंड नेक्स्ट जो आपके पास MnO7 है, MnO7 जो है इसके अंदर आपके पास जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। तो जिसकी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक या एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसके हमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर है वो किसकी आती है, आपके पास जो मैगनीज की MnO7 जो है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने की वजह से, तो ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू मैगनीज ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का ये बहुत अच्छा सॉलिड लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और बोर्ड में लाजमी आ भी जाता है। तो ये जो है ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हाइड्रोजन रिसेंबल विद ग्रुप नंबर फर्स्ट ए एंड फोर्थ ए एंड सेवन्थ ए, द एक्चुअल पोजिशन इज स्टिल कन्फ्यूजिंग बिकॉज ऑफ इट्स बिहेवियर। जो हमारे पास हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में मौजूद है उसकी जो पोजिशन है वो अभी तक क्लियर पता नहीं है कि भाई, क्योंकि उसकी कभी उसकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप नंबर फर्स्ट ए से रिसेंबल करती हैं, कभी फोर्थ ए से, कभी सेवन्थ ए से, तो इसी वजह से इसकी पोजिशन हमें क्लियर पकड़ पता नहीं है, अभी भी कन्फ्यूजिंग है। मगर चूँकि इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है एज़ कम्पेयर आपके पास अल्किली मेटल्स
की तरह। तो ये थोड़े से रिसेम्बलेंस की वजह से इसको जो है एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे रखा गया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पोजीशन ओवर अल्कली मेटल्स के, हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी जो है अल्कली मेटल्स के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। वन इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटर मोशल, अल्कली मेटल्स के आउटर मोशल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो हाइड्रोजन होता है इसके भी आउटर मोशल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट है मतलब अगर हम इसका पहले सिमिलैरिटीज देख लें, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। जैसे अल्कली मेटल्स के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देते हैं, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन से लूज़ कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कम्बाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हैलोजन्स। इनके अंदर जैसे अल्कली मेटल्स में फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, हमारे पास जितने भी हैलोजन्स आपके पास हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो ये इसके साथ जो है आपके पास रिएक्शन करके क्या बना देता है, NaCl बना देता है। यानी कि सोडियम की जो है या अल्कली मेटल्स की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टूवर्ड्स हैलोजन्स, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बना देते। इसी तरीके से अगर आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है, ये रिएक्शन अगर करता है क्लोरीन के साथ, तो दोनों जो है वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो जो 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 अल्कली मेटल्स हैं और हाइड्रोजन दोनों की हैलोजन्स की तरफ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ टेंडेंसी, कंबाइन होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ H+ ऑन आयोनाइजेशन ऑफ इट्स आयोनिक कंपाउंड। इसके अलावा कलेक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो उस वक्त जो है जो हाइड्रोजन जो है और जो आपके पास जो अल्कली मेटल्स दोनों होती हैं ये कैथोड के ऊपर कलेक्ट कर ली जाती। अभी हम ये देख लेते हैं कि जो आपके पास जो अल्कली मेटल्स का और हाइड्रोजन का डिफरेंस क्या है, यानी कि क्या ऐसी बातें हैं जिस पे अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन में का डिफरेंस आ रहा है। नंबर वन, इट इज़ अ गैस, यानी कि हाइड्रोजन तो एक गैस है, वेयर एज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर सॉलिड मेटल, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नंबर टू, इट नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स आउटर मोशन, यानी कि हाइड्रोजन के आउटर मोशन कम्प्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि डबलेट रूल फॉलो करता है। मगर जो जितने भी अल्कली मेटल्स होती हैं इनको आउटर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 7 चाहिए होते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इट प्रेफर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, अल्कली मेटल्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, हाइड्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। क्यों, देखें हाइड्रोजन है इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन आपके पास है इसके आउटर मोशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। अब ये क्या करता है कि ये इसके साथ म्यूचुअली शेयर करता है ये, ठीक है, तो इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इस तरह से H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मगर जो अल्कली मेटल्स होती हैं ये डाई एटॉमिक फॉर्म नहीं बल्कि इस तरह से एक सिंगल मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट कैन फॉर्म H- H- आयन, यानी कि हाइड्राइड आयन का मतलब ये होता है कि आपके पास देखें हाइड्रोजन आपके पास है, इसके अंदर प्रोटॉन एक है, आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोशन कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसके ऊपर ये H- आ जाता है। मगर अगर फॉर एग्जांपल ये आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये जो पहले से एक इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तो ये H+ बन जाता है। मगर जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन दे दें, इंस्टेड के ये इलेक्ट्रॉन ले लें। इट ऑक्साइड्स इज न्यूट्रल, यानी कि हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर का जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अल्कली मेटल है, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल का ऑक्साइड है, जब इसका वाटर में देखते हैं तो ये हमारे पास असल में क्या, बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो हमारे पास क्या बनाता है, हमारे पास बेस बनाता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं मगर जो अल्कली मेटल्स के जैसे ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन ओवर हैलोजन और ग्रुप नंबर 7A। हमारे पास अब हम ये देख लेते हैं कि भाई ऐसी कौन सी बात है कि ये अल्कली मेटल से तो मैच कर नहीं रहा, तो कहीं से ये हैलोजन्स के साथ तो नहीं मैच कर रहा, तो हम ये देख लेते हैं उसमें उसकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस है। नंबर वन, हाइड्रोजन भी गैस है और हमारे पास जितने भी हैलोजन्स फैमिलीज़ हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो है ये आपके पास भी फ्लोरीन खास तौर पे जो है ये इसमें गैसेस गैसीय स्टेट में मौजूद होते हैं।
स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 स्टेबल डायटोमिक फॉर्म है, क्लोरीन भी स्टेबल डायटोमिक फॉर्म है. रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स वैलेंस शेल. मैंने अभी जैसे कि ऊपर आपको बताया था कि जो क्लोरीन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था इस क्लोरीन को आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटी है. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड सिमिलर टू अल्कली मेटल हाइड्राइड्स. जिस तरह से अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स होते हैं, इसी तरीके से इसके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो भी की फॉर्मेशन जो है, यानी कि जो इसके आपके पास जो हाइड्राइड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड से. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड लाइक H- लाइक फ्लोराइड. ये देखो जब आपके पास हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये H एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो H- आ जाता है. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन आयोडीन के भी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन तो बनता है जैसे कि H- आता है, जिस तरह से ये फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स बनते हैं. इट हैज़ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाइल हैलोजन्स हैज़ 7. ये इनका डिफरेंस है, यानी कि हैलोजन्स के आउटर मोस्ट शेल में, जैसे कि ऊपर बताया इसके आउटर मोस्ट शेल में हैलोजन्स के 7 इलेक्ट्रॉन है, मगर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्राइड आयन इज़ अनस्टेबल इन एक्वो सोल्यूशन बट हैलाइड आर स्टेबल. जैसे कि आपको मैंने ये यहाँ बताया था कि ये एक्वो सोल्यूशन में आपके पास क्या है, ये वाला पॉइंट इससे मैच कर लेते हैं कि ये अनस्टेबल है, मगर फ्लोराइड एंड क्लोराइड जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं. इट कैन फॉर्म H+ साइन. हमारे पास कभी भी ऐसे Cl+ या आपके पास I+ जो है वो बनता ही नहीं है, तो ये H+ साइन बना सकते हैं, मगर फ्लोराइड्स आयोडाइड्स या हेलोजन्स ये Cl+ या I+ नहीं बना सकते. इट इज़ लाइब्रेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बट हैलाइड्स एट एनोड. जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में, उसमें कुछ प्रिपरेशंस होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेसिस पे, तो उसमें आप देखेंगे कैथोड पे हम लोगों को हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाती है अगर तो, मगर आपके पास जो हैलोजन्स होते हैं क्लोराइड्स हो गया या जो भी होंगे वो आपके पास हमेशा कहाँ पर ऑब्टेन होंगे, एनोड पे ऑब्टेन होंगे. इट ऑक्साइड्स इज़ न्यूट्रल, यानी कि आपके पास कौन सा है वॉट, जैसे कि आपके पास है H2O जो है ये आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड है, बट द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स आर एसिडिक है. ये आपके पास ऑक्साइड्स वाले टॉपिक से ही लिंक है कि फॉर. लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि आपके पास जो ग्रुप नंबर 4 के साथ क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज हैं. हाफ फिल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देखो हमारे पास ग्रुप नंबर 4 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, ठीक है. मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं, 8, तो हाफ है. जो हाइड्रोजन इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो अकॉर्डिंग टू द डबलेट रूल, तो एक को भी इसके आउट जो फोर्थ ग्रुप नंबर 4 के आउटर मोशन में भी हाफ फिल्ड होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोशन में भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल इंटरेक्शंस है. तो जितने भी आपके पास जो ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स होते हैं ये भी म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जिसके साथ साथ हाइड्रोजन भी कोशिश करता है, जैसे कि वो हैलोजन्स के साथ हो गया, ये आपके पास जो है म्यूचुअल शेयरिंग ही करते हैं. रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है. अगर हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि जो ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और कुछ लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं सॉलिड्स में है, मगर जितने भी हाइड्रोजन होता है वो गैशियस स्टेट में होता है. इसके अलावा इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स वैलेंस शेल. हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ग्रुप नंबर 4 को आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट करने के लिए फर्दर 4 चाहिए होते हैं. इट एग्जिस्ट इन डाई एटोमिक मॉलिक्यूल. जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन H2 डायटोमिक फॉर्म है, मगर हमारे पास ये जिस तरह से ग्रुप नंबर 4 कार्बन में है या सिलिकॉन इस तरह से भी एग्जिस्ट, मगर सिलिकॉन जो ज़्यादातर है वो एक चेन स्ट्रक्चर में, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की या कार्बन जो है वो आपके पास CH4 इन तरह के स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है.